दिल्ली की हर खबर अपने मोबाइल पर पाने के लिए सब्सक्राइब कीजिए दिल्ली दस्तक न्यूज चैनल को और हर लेटेस्ट अपडेट के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। नमस्कार, मैं आपके साथ प्राची गुलियानी और आप देख रहे हैं दिल्ली दस्तक, जो आपके शहर की हर खबर पहुंचाए आप तक। राजधानी दिल्ली में कोरोना संक्रमण रोज नए रिकॉर्ड बना रहा है, लेकिन सरकारी तंत्र लोगों को जागरूक करने का दिखावा कर आराम से बैठा है। दिल्ली के बाजारों में होने वाली भीड़ कोरोना के बड़े खतरे की ओर इशारा कर रही है। हैरान कर देने वाली बात तो यह है कि पुलिस भी इसकी ओर कोई भी कदम नहीं उठा रही है। उत्तर पूर्व जिले के सीलमपुर थाने के पास लगने वाला बृहस्पति बाजार में जबरदस्त भीड़ होने के बावजूद पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। यहाँ हजारों की संख्या में लोग बिना मास्क के बाजार में खरीदारी करते नजर आ रहे हैं। हैरान कर देने वाली बात तो यह है कि यहाँ मासूम बच्चों को लेकर भीड़ भरे बाजार में लोग पहुंच रहे हैं, मानो कोरोना जैसे खत्म हो गया हो। स्थानीय लोगों ने बताया कि बृहस्पति बाजार में सीलमपुर के अलावा दूसरी कई जगह से लोग खरीदारी करने आते हैं। इस बाजार में हजारों की संख्या में लोग खरीदारी करने आते हैं, लेकिन मार्केट में कोरोना प्रोटोकॉल का ख्याल नहीं रखा जाता। खरीदार तो दूर, दुकानदार भी मास्क का प्रयोग नहीं करते हैं। इस बाजार में सोशल डिस्टेंसिंग का कोई पालन नहीं किया जा रहा। ये बृहस्पति बाजार किराता है और यहाँ पर इतनी ज्यादा भीड़ है, बहुत लोगों ने मास्क नहीं लगा रखा है यहाँ पर, और इतनी ज्यादा भीड़ है। केजरीवाल साहब कह रहे हैं भीड़ नहीं होनी चाहिए, लेकिन क्या करें, प्रशासन की थोड़ी लापरवाही है कि भीड़ ज्यादा है यहाँ पर। कौन सा बाजार लगता है सर? ये कौन सा बाजार? बृहस्पति बाजार कहलाता है, न्यू सीलमपुर मार्केट में लगता है। तो भीड़ इतनी क्यों होती है यहाँ, क्या कारण है? ये बहुत बड़ा बाजार है यहाँ पर, और बहुत दूर दूर से लोग यहाँ पर शॉपिंग करने आते हैं, लेकिन ये जो है ना, हमारी MCD की और प्रशासन की लापरवाही है, इस बाजार को खड़ा करने दिया गया। ऐसी ही तमाम खबरें देखने के लिए देखते रहे दिल्ली दस्तक। धन्यवाद।